नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं बॉलीवुड कहानियां और फैक्ट्स। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे रानी बनी बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की हीरा। इस बात का खुलासा किया गदर 2 की सकीना ने। बता दें, गदर 2 बहुत जल्द सिनेमाघरों में आने वाली है। इस फिल्म की सकीना यानी कि अमीषा पटेल लंबे वक्त के बाद एक बार फिर से लीड रोल में दिखेंगी। उम्मीद जताई जा रही है कि गदर 2 भी लोगों को खासी पसंद आएगी। इन दोनों अमीषा पटेल फिल्म को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। इस बीच उन्होंने फिल्म मंगल पांडे में रानी मुखर्जी को लेकर एक खुलासा किया है, जो फिल्म में आमिर खान के साथ नजर आई थी। इस फिल्म में रानी और अमीषा दोनों नजर आई थी। बता दें, केतन मेहता ने मंगल पांडे द राइजिंग को डायरेक्ट किया था। आमिर खान इसमें मुख्य भूमिका में थे और उन्होंने इसमें फ्रीडम फाइटर का रोल निभाया था, जिन्हें एक ब्रिटिश कैरेक्टर सती प्रथा से बचाता है। तो वही रानी कोठे की मालकिन के रोल में थी, जिन्हें फिल्म में आमिर खान से प्यार हो जाता है। एक इंटरव्यू के दौरान अमीषा ने बताया था कि मंगल पांडे में रानी फिल्म की हीरोइन नहीं थी। जब आमिर ने उन्हें स्क्रिप्ट सुनाई थी तो अमीषा ब्रिटिश एक्टर टॉमी स्टीफेंस के अपोजिट थी और उनका लव एंगल था। जिन्होंने ये फिल्म देखी है उन्हें तो ये पता ही होगा कि इस फिल्म में आमिर खान का एक लव एंगल ब्रिटिश एक्टर्स के साथ था। अमीषा ने बताया कि रानी बस एक गाने के गेस्ट अपीयरेंस के लिए फिल्म में थी, लेकिन शूटिंग के दौरान आमिर ने सुझाया कि लव स्टोरी ब्रिटिश कैरेक्टर के साथ है तो उन्हें एक भारतीय कैरेक्टर के साथ इस लव स्टोरी फिल्म को दिखाना चाहिए, जिससे ऑडियंस को अपनापन लगेगा। तो कुछ इस तरह से रानी बनी आमिर खान की हीरोइन। तो ये थी इसके पीछे का छोटा सा किस्सा। आज की स्टोरी यही होती है खत्म। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की किसी नई स्टोरी के साथ ए न्यूज़ टुडे के खास प्रोग्राम।